साथियों नमस्कार जिया के थे सामने देखने लग रहा हो आ भारत माला रोड है जी की पंजाब गुजरात की तरफ निकली है जी की सिक्स लाइन भी कहा बा हनुमानगढ़ जिले गए नजदीक गांव पड़े कोला और कोला गांव को जी क्या रोड चल है बिंग दृश्य में थाने दिखाने लग रहे हूँ। और मेरे ही भारत माला गए दिखाने को जी को मकसद हुआ है कि जी की सड़क है अभी बनी ने छह महीना ही कोनी होया और अभी तीन महीना हूँ इन ऊपर जी के साधना को आव जाओ है जी को ट्रोला है और कोई छोटा मोटा साधन है वे चालने लग गया। जदू वहाँ सड़क बनी है बिंग बाद में बरसात शुरू हुई है और बरसात के बाद के अंदर जी की परिस्थिति सड़क की बनी है वहाँ मैं थाने दिखानी चाहूँगा। इतना ट्रैफिक चल है कोई अभी तक नॉर्मल है घनो ट्रैफिक भी को नहीं है। आ थे रोड देखो सामने थन दिखने लग रही है क्या आ रोड है जिसके अंदर खड्डो पड़ रहे है। ए तो मैं थाने छोटे रूप के अंदर जी का मेरा नजदीक लागे मैं दिखाऊं और बाकी पूरी ई सड़क के अंदर मैं बीकानेर तक भी गए हो तो बीच के अंदर रात को टाइम मैं कौन देख सको फिर भी मैं थाने वीडियो के अंदर ये चीजें दिखाने का प्रयास करूंगी। आ सड़क देखो कितनी जोरदार है आज की सड़क टूट गई तो आ सड़क कितना दिन चलेगी अभी थे समझो फिर भी चलो मानस कहा कि सड़क की भर्ती वगैरह मिट्टी डाल के करी है कठिन घड़े दिक्कत आ जाए बरसात के समय में पर एक चीज देख लेंगे आया कि बीच में इतना बड़ा बड़ा खड्डा है रात के अंदर जी का अठू लोग निकला है आपको साधन ले गए ट्रोलो है ट्रैक्टर है कार जो भी साधन बड़ो छोटो मोटो ले गए अठू जी को निकला है तो इनकी 100 गीज की स्पीड बताई जावे ये सिक्स लाइन की और बिंग अंदर अगर इंद्र खड्डा हुआ है तो भी साधन को के बनेगो भी स्पीड को के बनेगो बा गाड़ी किने जाएगी बातें समझ सको। मेरो मकसद है कि वीडियो दिखाने को सड़क जी की टूटड़ी है यहीं पर जज भी थे यात्रा करो दिन में करो रात में करो तो सावधानी करो और धीरे चलाओ क्योंकि ऐसा खड्डा है जिका पूरी रोड पर ही बनेड़ा है पतो ही कौन चाले कद खड्डा आ जाए और कद थार सके कोई दुर्घटना हो जाए तो बिंग है बचाव खातर थाने और विशेष ध्यान रखना है कि भारतमाला रोड के नशे के अंदर थे रोड पर स्पीड उचाल पड़ो भी अपन 100 की स्पीड में चला और आपनों की कौन बिगड़े ई भ्रम में ना रही हो क्योंकि यह रोड है जी की काफी टूट चुकी है बरसात के कारण ई रोड की जी की पोल है बा आपने सामने निकली है और मैं ई वीडियो ई भारतमाला पर काफी वीडियो है जी का मैं थाने जदू आ बढ़ने लगी जदू ले गए और आज तक जिकी जिकी अंदर नई चीजा कोई हुआ कोई खराब हुआ तो वो मेरे बताना फर्ज है जितना भी थे दर्शक देखने लाग रहा हो। अब क्या है कि जब अपने एरिया के अंदर कोई बढ़िया चीज बन गए कोई रोड निकला तो भी नहीं यूज करना सारे पसंद करे आप ही बात मानस का कि जब आप ही पर चढ़ गए कठे यात्रा वास्ते चल बीकानेर जावा तो 2 घंटा में पहुंच जावा पर जिकी रोड के अंदर यहाँ खड्डा हुआ है तो बीकानेर के अलावा और कठे भी हॉस्पिटल में भी पहुंच गए जिकी रोड की स्थिति है और जिकी सरकार के द्वारा या जिकर बनाई है जिकी डिपार्टमेंट वहां बनी है तो बन है की तरफ है जी को ध्यान देना चाहिए कि रोड के अंदर जिकी खामियां है वे ठीक करनी चाहिए। आज जिकी बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी है जिको ले गया आपको साधन में निकला है और इतनी स्पीड इनकी दिखाने लग रहा है और रोड की हालात है कई जगह तो नीचे ही आ रोड की ऊंचाई काफी है कई जगह नीचे भी ईसा मोरा निकल गया इन अंदर मिट्टी जी की निकल चुकी है बरसात के कारण तो वे भी काफी जगह उड़ा है अब हाँ धीरे धीरे भी सुधार करना है जी को स्टार्ट करे है जी हाँ मैं थाने ये वीडियो में दिखाना चाहूँ भी एक खड्डा है वो खड्डो है जी को देख लियो वो छोटो खड्डो है थाने और भी बड़ा खड्डा है वह भी मैं थाने दिखाऊंगा। रोड तो बनी जे तो बहुत सुंदर लगी पर आज इंगी जी की स्थिति देखा तो भी मैं बहुत खामियां हैं और वहाँ खामियां में इन अंदर जितने जी के डिपार्टमेंट जी की कंपनी ने बनाई है तो वो इन अंदर है जी को सुधार करना चाहिए वही मेरे कहने को मकसद है और सरकार इन तरफ ध्यान दे भी आ एक सुविधा खातर रोड बनी है न कि दुर्घटना खातर सुविधा इन अंदर सारी है जी की मिलनी चाहिए और रोड के अंदर जी की टेक्निकल है के कारण वह रोड है जी की टूटने लग रही है के कमी रेडी है कोई सामग्री में कमी रेडी है तो बात हो सरकार ही देख सके और तो इन्हें पुन देख सके भाई बता सके तो जीता भी भाई थे मैंने देखने लाग रहा हो जी का मेरा वीडियो थे देखो मेरे कहने को मतलब वही है हनुमानगढ़ हुआ हुआ संगरिया हुआ हुआ चाहे पंजाब हुआ और वो इन आगे बीकानेर साइड में जद भी निकला है तो ये रोड पर विशेष ध्यान निकलना है
और पुड़िया के नजदीक तो आ मान के चलो भी बड़े खड्डो बनेड़ो है अंदर दाब पड़े है जी को लैंडर लागड़ो है अंदर 4 इंच की जगह दरारा है वे भी बहुत ज्यादा है। तो छोटी गाड़ी को तो स्पीड में 100 में की बना ही कोनी। तो विशेष ध्यान चलना है आपने यात्रा करते समय विशेष जानकारी ई वासी थान दी गई है और भी इनकी कोई बात आओगी थान बताऊंगा। जे को हनुमानगढ़ के नजदीक को लगाऊ के उतार चढ़ाव बढ़नो है वो आज भी तक कोई शुरू कौन करियो है बीच में अधूरो पड़ियो है और जी का ट्रैफिक है जी का साधन है थे देखने लग रही क्या चढ़ाई ऊपर कच्चा रास्ता हूँ वे कई बार अटने दुर्घटना भी है कोई ट्रक पलटिया भी है कई गाड़ियां भी पलटी है क्योंकि चढ़ने में बहुत समस्या हुआ है और कोई रास्ता कौन जी के लोग जिन्हें निकलना हुआ है और रास्ते को कट है जी को अभी तक कहाँ बनायो को नहीं है बहुत लंबो टाइम हो गयो और प्रस्तावित है भी और रास्तों खोले कने जी को आठ उतार चढ़ावेंगे बनाएंगे अभी के कहाँ भी कद तक है जी को बनाएंगे अभी तक तो इनकी भूमिका है जी की सामने जरूर दिखे है यहाँ की इनकी बटे प्रक्रिया जरूर चालू कर रखी है पर अभी तक कुछ बनियो को नहीं है और जल्द ही उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। आगे मौसम भी है जी को बदल सके बरसात तो भी होली पर ठंड भी आ गए और कई कई गाड़ियां को जी को पलटने को कारण है वो ही है अभी हठूँ खोला हूँ वही रस्त है जी कहीं दूर तक जाना हुआ है तो उतार चढ़ाव हुआ देखो कब तक बने अभी तक कोई सूचना को नहीं है पर ये एक प्रक्रिया चालू करके कोले गए ना छोड़ दिया मेन रोड को ऊपर कदिंग अंदर वो काम चलेगो दूसरी रोडा भी है जी की आनेगी जी की संभावित है सरसा इशारू आनेगी है एक जी की गाने गुरु अठा रोड आनी है केड़ा बांग इंतजार करे एक पहली बना सी अभी तक तो इसी को सूचना है जी की मिली को नहीं है दिखावा जरूर है अभी मेकिन की काम है जी को करने लाग रहा हूँ अभी जी यहाँ थे दोस्तों देखने लाग रहे हो हाईवे रोड है ये बड़े गाटर देख लियो और डिवाइडर बनाए हो जी के पर क्या भरी होगी ट्रक है जी को इनू आर पार ही निकल चुके है जी के थे रस्तो थे सामने देखने लाग रहे हो इतरिया आज की इन ऊपर बीच के अंदर डिवाइडर है बे अठू लेकर बीकानेर तक को काफी रस्तों में देख चुके हूँ जी के अंदर लगभग है जी की गाटर ने बड़ा ट्रक है केव तो बने नींद आवा के कारण सीधा सीधा नीचे उतर जाए ये चीज़ा भी बहुत ज़्यादा होने लग रही है। तो जितना भी ड्राइवर भाई और वीडियो देखने लग रही है बने वो कहना है कि ऊपर जी हाँ पहली जी की रोडा पर चलता नहीं आराम नहीं है चलो स्पीड के चक्कर में ना रहो क्योंकि स्पीड के अंदर पता ही कौन चल है कद किन्ने उतर जाए गाड़ी तो सावधानी रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि रस्तों तो है जी को कदे भी अपन पूरा कर सकें समय लाग जाए कोई बात को नहीं पर थोड़ा आराम हूँ धीरे और सचेत हो गए चलो वही मेरे कहना है। तो थार सारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय राजस्थान।